सो वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में आप लोगों को एक अपडेट्स दूंगा जो कल यूजीसी के तरफ से आया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के तरफ से। तो ये जो अपडेट्स है ये हमारे यूजी और पीजी के लिए है। तो कल यूजीसी के एक अथॉरिटी के तरफ से ये अपडेट्स दी गई है कि नॉर्मली जब हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यूजी और पीजी एडमिशन लेने जाते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज में नॉर्मली एडमिशन जब लेने जाते हैं, तब नॉर्मली हमें एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। बहुत सारे जो यूजी और पीजी के एडमिशन्स होते हैं उसमें जो हमारे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसे हम लोग सीईटी कहते हैं, तो ये कंपलसरीली होते हैं। अगर आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो आप क्लियर कर नहीं पाओगे तब आपको एडमिशन नहीं मिलती है। तो इस साल के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है तो इसे विड्रॉ कर दी गई है यूजीसी के तरफ से। मतलब इस साल के जो एग्जामिनेशन होंगे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होंगे ये नहीं रहेंगे। स्टूडेंट्स अपने मार्क्स के ऊपर बेस करके उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएंगे। तो कोविड को देखते हुए यूजीसी ने ये डिसीजन ली है और कल उनके अथॉरिटी की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन दी गई। तो जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रहेंगे तो ये इस साल के लिए विड्रॉ हो जाएंगे कोविड के वजह से। तो इस साल कोई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं रहेंगे यूजी और पीजी के एडमिशंस के लिए। और आप लोग सिक्स सेम के जितने भी स्टूडेंट्स हो, आफ्टर सिक्स सेम आप लोगों को पीजी में एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी में, तो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होंगे ये। आप लोगों के जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होंगे ये नहीं रहेंगे। तो ये कल एक यूजीसी की तरफ से अपडेट्स आया था स्टूडेंट्स, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। सो ऐसे अपडेट्स के लिए स्टूडेंट्स मेरे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग मी।